Hello guys, welcome back to Ambrose Reactions. This is Rehan. This is Sahil. This is Faizan. So today we are going to watch Indian fans are going mad over PSL. 2018 wala video hai and we have proof of this that. So the White Side YouTube channel ka video hai. Ye maine title se hi maine ise soch liya tha ki yaar is par reaction dena hai mujhe. Ye last year ka video hai. To PSL ke mein Indian fans kyun पागल हो रहा है एक PSL के बारे में, ये इन्होंने प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताया है, जैसे कि इनके टाइटल में भी मेंशन किया है. तो इस वीडियो को अगर ये नहीं कह सकते 2018 या 19 का, ये मतलब सदाबहार वीडियो है, कभी भी देख सकते हो आप इसे. तो देखते हैं वीडियो. कॉल आ गया. सो देखते हैं वीडियो और आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. वाइट साइड को भी सब्सक्राइब कीजिए और PSL शुरू होने वाला है तो आज से शुरू हो जाए. आज 14th, आज पहला मैच किसका है वैसे? ये तो मुझे भी आइडिया नहीं. कमेंट करके बताओ. वैसे ये वीडियो जब तक अपलोड होगा जब तक पहला मैच हो जाएगा, 15 को अपलोड होगा ये वीडियो. तो ये वीडियो देखते आगे डिस्कशन करेंगे. आज की शाम कराची के नाम. हेलो जिक्स, कैसे हैं आप सब? जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बहावलपुर, फैसलाबाद, मीरपुर, कश्मीर, श्रीनगर, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान या फिर पानीपत, आप सबको हमारा बहुत बहुत सलाम. अच्छा, आप में से किन किन लोगों को लगता है कि इंडियन जिक्स जो है हमारे वो PSL के फैन होंगे या फिर वो छुप छुप के देखते होंगे या फिर वो ये कहते होंगे कि यार PSL तो फारी है. मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कुछ फैक्ट्स, कुछ शॉकिंग फैक्ट्स, जिसे आपको पता चलेगा कि हमारे जो इंडियन जिगर्स हैं कि वो कितना प्यार करते हैं PSL से. ऊपर से चाहे वो जितना मर्जी कहें कि जी PSL टटी ब्रांड है, PSL चूस है, PSL फलाना है, PSL टमकाना है, लेकिन अंदर अंदर से वो सब कुछ देख रहे होते हैं. वो चतुर कहता है ना कि देखते सब हैं, पता तो कोई नहीं. डेनिस डस क्रिकेट एक बड़ा जबरदस्त फेसबुक पे पेज है. एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, जो कि काफी आजकल उनका सीन ऑन है और पाकिस्तान में PSL में उन्होंने बड़ी जबरदस्त मजे की वो ट्वीट और फेसबुक पोस्ट करते थे. उन्होंने कल अपने पेज पे लगाया हुआ था कि इंडिया के अंदर जो PSL था वो टॉप ट्रेंडिंग पे था. आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ इंडियन पीपल आर लविंग PSL. और इसके अलावा जब मैं आपको पता ट्रोल कर रहे थे इस वजह से भी हो सकता है, मैंने कहा यार हम जरा अपनी रिसर्च करते हैं, डेनिस पे सारा नहीं छोड़ते. हम गए जी ट्विटर पे और हमने इंडिया के सेपरेट सारे शहरों के जी ट्रेंड निकाल दिए उस वक्त. अब जी पुणे में देखें, पुणे ट्रेंड्स PSL 2018 दूसरे नंबर पे ट्रेंड का है. बैंगलोर ट्रेंड्स तो PSL फाइनल इन कराची टॉप ट्रेंडिंग पे है बैंगलोर. इसके अलावा अगर हम मुंबई पे जाएं तो मुंबई में #PSL 2018 है दूसरे नंबर पर. और इसके अलावा हम अगर जाएं कानपुर तो कानपुर में #PSL 2018 है पहले नंबर पर. दिल्ली ट्रेंड्स में जाएं तो #इस्लामाबाद यूनाइटेड है नंबर वन पर. अच्छा, इसके अलावा ना सिर्फ ये इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग पे था PSL कल रात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी #PSL फाइनल इन कराची था टॉप पे, दुबई में भी टॉप पे था और शारजा में भी टॉप पे था, अबू धाबी में भी टॉप पे था. वाह रे PSL वाह, तू तो छा गया. और इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और रिसर्च करें तो पिछले साल नजम सेठी साहब ने ट्वीट की थी कि जो PSL की व्यूअरशिप है इंडिया से बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी इंडिया से. और उन्होंने कैसे पता लगाया, जो सिमिलर वेब है जो आपको वेबसाइट्स की ट्रैफिक बता है. उसमें अगर आप जियो पे जाएं यानी कि लोकेशंस में जाएं, जियोग्राफी पे जाएं तो आपको पता चलता है कि किसी स्पेसिफिक वेबसाइट की कहां से कितनी ट्रैफिक आ रही है. ये एक सिंपल सा प्लगइन होता है जो आप अपने गूगल क्रोम पे कर सकते हैं और आप खुद देख सकते हैं अभी सिमिलर वेब पे जाके कि पिछले साल जो PSL थी वो इंडिया में सबसे ज्यादा देखी गई थी 28% और 25% के करीब पाकिस्तान में देखी गई थी. लेकिन इस साल इंडियंस थोड़ा कम हो गए या पाकिस्तानी ज्यादा हो गए ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस साल सिमिलर वेब में 41% ज्यादा है ना पाकिस्तान से थी, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड से ट्रैफिक थी और तीसरे नंबर पे इंडिया स्टिल एट नंबर 3 7.91%. तो थैंक यू इंडियन पीपल. इसके अलावा अगर आप YouTube पे देखें तो जो कई वीडियोस लगती थी सुपर ओवर की PSL की पेज की तरफ से या कोई भी ऐसे जो उनका चैनल अपलोड करता था कोई भी मैच का सुपर ओवर लास्ट ओवर, तो वो भी अक्सर इंडिया में ट्रेंडिंग पे होती थी YouTube पे. अब ये चीज मेरी उस बात को प्रूव कर रही है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बोथ कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान लव ईच अदर, ये सिर्फ
सिर्फ कुछ जो होते हैं ना दोस्ती के मुखालिफ एलिमेंट्स वो फटा कराते हैं. अब जैसे मैं एडमिट करता हूँ इसमें कौन से छुपाने वाली बात है यार, मैं तो नहीं झूठ बोलूंगा. हम देखते हैं, कई लोग देखते हैं आईपीएल. मैंने देखा था जब 2012-13 में काफ़ी हाई पॉन थी जब गेल बड़े छक्के मारता होता था. उसके बाद खैर नहीं देखा, लेकिन स्टिल यहाँ पे भी एक आईपीएल की फॉलोइंग है. इसी तरह इंडिया में पीएसएल की फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त ग्रो कर गई है, तो इससे कैसे इनकार. अब अगर आप ट्विटर पर जाएँ ना तो ट्विटर पर पाकिस्तान से प्यार करने वाले जो कमेंटेटर्स हैं इंडिया के, जो जिनके बड़े दोस्त हैं पाकिस्तान में, जैसे संजय मंजरेकर, हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, उनकी तरफ से एक भी ट्वीट नहीं है. और उनकी तरफ से एक भी ट्वीट पीएसएल के बारे में क्यों नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि उनका जो करंट सेटअप है मोदी सेटअप और उनके जो चमचे हैं जैसे कि शिवसेना, वो उनको इतना फिर थ्रेटन करते हैं कि जाओ तू पाकिस्तान चला जा, तू मुल्क दुश्मन है, तू गद्दार है, तूने पीएसएल के हक में ट्वीट किया है. इस तरह की बातें उनको सुननी पड़ती है, जिस वजह से वो बेचारे कोई ट्वीट नहीं कर पाते, कोई एंडोर्समेंट नहीं दे पाते पीएसएल को. अभी थोड़े दिन पहले कपिल शर्मा ने वो पिशावर जलमी को के जो कैंसर के पेशेंट्स थे बच्चे, उनको लेके गए थे जावेद अफरीदी साहब दुबई, उनके साथ उन्होंने कोई गेट टुगेदर किया था, उस पर भी कुछ लोगों को मसला हुआ था जो इंडिया में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे शिवसेना वगैरह. अब देखें ऑनलाइन स्टैट्स तो नहीं झूठ बोलते ना ये तो आपके सामने है सारा. और इसलिए मेरी तमाम इंडियन जेग से गुजारिश है कि इसी तरह हमारी क्रिकेट देखते रहिए, हमारी म्यूजिक सुनते रहिए. पाकिस्तान में भी आप लोगों की क्रिकेट और म्यूजिक की बहुत बड़ी फॉलोइंग है, तो ये दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की चीजों के बगैर रह नहीं सकते, ये एक हकीकत है. तो और आप अपनी गवर्नमेंट को थोड़ा सा पुश करें कि पाकिस्तान की तरफ जो उनका होस्टाइल एटीट्यूड है ना वो थोड़ा सा कम करें उसको. और इसके साथ साथ मैं अपनी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत सारा सलाम पेश करना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने 10 सालों तक हमने दहशतगर्दी को बर्दाश्त किया, बम धमाके हुए और वो मुसल्लत की गई दहशतगर्दी थी, 9/11 के बाद शुरू हुई थी. और शुक्र है हमारी कुर्बानियों की वजह से जो 70,000 लोगों ने अपनी जानें दी, जिसमें आर्म फोर्सेस हमारी, पुलिस के लोग, सिविलियंस सारे शहीद हुए और हमें इन लोगों ने सीरिया बनने से बचाया. और बिल्कुल मुझे लगता है उस वक्त एक थी सिचुएशन कि पाकिस्तान सीरिया या इराक बन सकता था, लेकिन थैंक गॉड और हमारे लोगों की बर वक्त कार्रवाई, दहशत गर्दों को हमने कुचला और आज किसी दहशत गर्द का नामो निशान तक नहीं पाकिस्तान में. और सारे भागते फिर रहे हैं, इतने इंतजार के बाद हमने क्रिकेट देखी है ना पाकिस्तान में. ये पाकिस्तान का एक आम क्रिकेट लवर ही बता सकता है कि किस तरह ग्रेजुअली 2 सालों में जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल मैचेस की तादाद बढ़ी है, पिछले 3 सालों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 12 इंटरनेशनल मैचेस हो चुके हैं. तो इंशाल्लाह ये बेहतरी हो रही है. जब आप कुछ लड़के हासिल करते हो ना तब उसका मजा आता है. तो अगली वीडियो में भी मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग चीज दिखाने जाऊंगा ना कि आपके तरह निकल जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा स्टेप लिया है पाकिस्तान की तरफ से लिया गया है इंडिया की तरफ, लोग सोच भी नहीं सकते. हुआ तो ये सबके सामने ही है, लेकिन ये बात ऊपर आई नहीं है, पता नहीं कौन सी वीडियो. तो देखते रहिए, एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा. हमारा तो स्टे ट्यून, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हम फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें करने जा रहे हैं. और प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात बताएं कि आप इस बारे में क्या समझते हैं कि ये जो नजर आ रहा है कि इंडियन लोग इतने फैन है पीएसएल के, आप इस बारे में क्या कहते हैं. यार ये ना मेरे पाकिस्तान के सबसे फेवरेट्स में से एक है, क्योंकि इनके वीडियोस जो होते हैं इतने ज्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं और एक और मजा भी आता है, एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से, एक्सप्लेन करते हैं और एक मजा आता है इनका वीडियो देखने में, इनको सुनने फन के साथ शेयर करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है मुझे. और इन्होंने मन लगा लेता है अपना, राइट. और इन्होंने बहुत सारे प्रूफ भी दिखाए कि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा पीएसएल दिखाया था, मतलब उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल मैचों की तादाद भी बढ़ गई है और इस बार तो पीएसएल पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है ना इस बार, तो ये बहुत अच्छी बात है. वैसे मैंने ऐसा सुना है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स नहीं आ रहे पाकिस्तान में, तो इस बात में कितनी सच्चाई है आप ये मुझे कमेंट करके बताइए. ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो खेलते हैं, शेन वॉटसन उसमें, वही बता रहा हूँ, मजे नहीं आएंगे यार. वैसे एक वो आया था जब डरेन सेमी वो वहाँ गया था ना पाकिस्तान में, तो किसी ने इंडियन ने कमेंट करा था दे आर टेररिस्ट. तो डरेन सेमी ने उसको कुछ अच्छा जवाब दिया था, गेट लॉस्ट ऐसा कुछ करके कहा था. अरे एक सब्सक्राइबर अपनी उन्होंने मुझे सेंड भी करा था. हाँ मुझे भी किसी सब्सक्राइबर ने सेंड किया था, वीडियो नहीं था, वो पेज इंस्टाग्राम डरेन सेमी का, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फोटो डाला था पाकिस्तान में लैंड होने के बाद. अच्छा हाँ, तो किसी इंडियन ने उस पर कमेंट करा था दे आर टेररिस्ट, तो उन्होंने कमेंट किया था गेट लॉस्ट माई पेज ऐसा कुछ. हाँ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई पेज. ठीक है यार, मैं कहना चाहूंगा कि किसी को गलत ऐसे नहीं बोलना चाहिए. नहीं वो एक्चुअली क्या है, डैरेन सैमी वहाँ गए, उनको वहाँ जो मोहब्बत मिली,
और जो उनको फील हुआ कि यार तो सिक्योरिटी उनको फील हुई वहां पर। डेरेन सैमी का तो ऐसा हो गया कि रूस के आना जाना हो नहीं, मुझे ऐसा लगता है ना वेस्ट इंडीज प्लेयर को ना वेस्ट इंडीज में अच्छा ही नहीं लगता है वो। आईपीएल के टाइम पे ही मतलब बहुत पहले से इंडिया में आ जाते हैं, पहले तो बहुत सारे एड शूट करते हैं, फिर किसी ना किसी रियलिटी शो में आ जाते हैं। नहीं वो वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड थोड़ा पैसा भी कम दे रही है, बहुत सारे नहीं वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर है ना उनकी अपनी क्रिकेट बोर्ड से बहुत सारे मसले चलते रहते हैं, चलते ही रहते हैं। राइट, ये बात भी सही है। तो अभी यही रीजन है कि बीच में जो उनकी टीम है ना पूरे नए प्लेयर आ गए थे, उसमें जो पुराने प्लेयर थे खेल ही नहीं रहते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, जैसा कि इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का म्यूज़िक आप सुनते रहिए, तो म्यूज़िक तो हम सुनते ही हैं और बहुत पसंद भी किया जाता है इंडिया में। एक पोस्ट किसी इंडियन फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला गया था जो कि छापा फैक्ट्री का वीडियो था जिसमें वो कॉपी पेस्ट हुआ था ना इंडियन बॉलीवुड छापा फैक्ट्री, तो उस पर मतलब बहुत सारे इंडियंस ने यही कमेंट किया था कि भाई हम अग्री करते हैं पाकिस्तान का म्यूज़िक इंडिया से बेटर है लेकिन उसको जो आगे तक पहुंचाया है पूरी दुनिया के सामने लाया है वो इंडिया ने लाया है, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ ये बात तो है, म्यूज़िक में तो पाकिस्तान है यार। अभी हमने आप हमारी देखते हो राइट। और एक बात और है, मतलब ये चलता रहता है ना एक दूसरे का लेन देन चलता रहता है, अच्छी बात है। फिजिकली मतलब व्यापार भी अभी होना चाहिए। अभी भी आतिफ असलम का एक नया सॉन्ग आया है जो टी सीरीज चैनल पर आया है, बारिश है वो, उसमें वो एक्टर से नुसरत। हाँ आतिफ असलम टी सीरीज के लिए गाने गाते रहते हैं। हाँ टी सीरीज और आतिफ, टी सीरीज और टिप्स म्यूजिक से बहुत अच्छा अच्छे रिलेशन है आतिफ असलम के। तो राहत फतेह अली खान ऑल्सो, राहत फतेह अली खान को तो सभी लेते हैं यार। राहत फतेह अली खान हर मूवी का कोई ना कोई सॉन्ग तो आ ही जाता है। नहीं एक बात है, राहत फतेह अली खान की जो फैन फॉलोइंग यहाँ पर है ना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इतनी ज्यादा होगी, इतनी होगी। बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग इंडिया में, बहुत ही ज्यादा, मतलब हर इंसान के लगभग जो म्यूजिक लवर है, मैं सिर्फ म्यूजिक लवर की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक लवर में से लगभग 40-60% लोग के पास राहत फतेह अली खान की खुद की प्लेलिस्ट जरूर होगी, इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग मैंने देखी है। इंडियंस ना देखो, इंडिया की ऑडियंस इतनी बड़ी है ना, किसी को भी नीचे गिरा सकती, किसी को भी ऊपर उठा सकती है। बात करें क्रिकेट की तो क्रिकेट में सबको पता है कि शोएब अख्तर और अफरीदी इंडिया में मोस्ट फेवरेट क्रिकेटर रही हैं। राइट, वो इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले दो क्रिकेटर। और ये भी पता है कि विराट कोहली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, स्पेशली गर्ल्स को बहुत पसंद है पाकिस्तान में। तो ये क्रिकेट में भी एक रिलेशनशिप है हमारा। क्रिकेट एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो क्रिकेट का वीडियो ही हमने देखा था ना अभी बीच में, कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप मोमेंट। क्रिकेट ऐसा गेम है जो जोड़ने का काम करता है। हाँ ये तोड़ने का काम नहीं करता है, एक टाइम होता है फिर सही हो जाता है। क्रिकेट मतलब खेल कोई सा भी ले लो यार, खेल एक है ऐसी चीज़ कि खेल में आप एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की ऑडियंस से मिलते हैं। स्टेडियम में जब आपसी ऑडियंस मिलती है तो जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑडियंस को यही मैसेज देते हैं कि इसे ना एज ए गेम लो। हाँ लेकिन क्रिकेट को पता है ना लोग बहुत, जैसे अभी इंडिया हारी थी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से, ठीक उसी दिन इंडिया की हॉकी टीम पाकिस्तान से जीती थी हॉकी में, लेकिन हॉकी वाले मैच पे किसी का भी ध्यान नहीं गया, सब इंडियन टीम को ट्रोल कर रहे हैं। तो इतने सालों बाद पाकिस्तान जीता था ना इस तरह की किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो यार वो बात भूल ही जाएगी। जीता वो भी है, बाकी जो क्रिकेट का बस ज्यादा है दोनों कंट्री में, क्रिकेट के ज्यादा फैन फॉलोइंग है और हॉकी की थोड़ी कम है। थोड़ी कम है। हॉकी से रिलेटेड अभी एक मूवी आई थी अभी अक्षय कुमार की गोल्ड, उसमें बहुत अच्छा रिलेशन बताया है इंडिया पाकिस्तान का, सभी को देखना चाहिए। बिफोर पार्टनरशिप एंड आफ्टर पार्टनरशिप, पार्टीशन आफ्टर पार्टीशन एंड बिफोर पार्टीशन, दोनों ही टीमें एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी। हाँ। राइट, तो वो जो मोमेंट था वो बहुत ही अच्छा था। और एक बात और, वैलेंटाइन डे लोग सेलिब्रेट करें लेकिन उसी दिन भगत सिंह और उनको फांसी दी गई थी अंग्रेजों ने। हाँ। वो भी लाहौर में दी थी। सो एक वो भी एक मोमेंट था जो कि एक जो क्रांतिकारी बोलते हैं ना फ्रीडम फाइटर। यार मैं तो बोल रहा हूँ वैलेंटाइन डे छोड़ो, उनके लिए कुछ दुआएं कर लो। हाँ यार उन लोगों के लिए दुआएं करो क्योंकि उन्होंने दोनों ही कंट्री के लिए काम किया है। हाँ, बहुत सारे अशफाक उल्ला खान और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज दुनिया से चले गए हैं सिर्फ अपने मुल्कों को आज़ाद करवाने के लिए। हाँ पहले एक ही मुल्क था तो मैं इसलिए सिर्फ मुल्क बोल रहा हूँ, अपने इस मुल्क को आजाद करवाने के लिए। फिर बाद में मुल्कों हो गए, दो मुल्क हो गए, तीन हो गए सॉरी। सो इनको आजाद करवाने के लिए इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो शायद दोस्तों वैलेंटाइन डे ना मनाते हुए अगर आप लोग ये करेंगे कि उनके लिए दुआएं करेंगे या कुछ और करेंगे जो या उनको याद कर लें, कुछ अलग ट्रेंड चलाए, आप इंस्टा पे वैलेंटाइन डे का फोटो डालेंगे उसकी जगह पे कुछ और ट्रेंड। पाकिस्तान में तो ऐसे सिस्टर डे सेलिब्रेट हो रहा है, अमेजिंग यार। इंडिया में बजरंग दल डे, वो क्या बोलते हैं, बजरंग दल डे सेलिब्रेट होता है। बजरंग दल से सब डरते हैं ना, तो
आज के दिन कोई बाहर नहीं जाता, 15 को जाएंगे सब, सो आप लोग ऐसा ना करें। और खैर बहुत हंसी मजाक हो गई, बहुत बातें हो गई, आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके प्लीज़ बताइए कैसा लगा वीडियो, PSL के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताओ तो बताओ, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी बातें अगर आपको पसंद आती है तो, राइट। और सोशल मीडिया पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, सब लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।